22 जनवरी 2019 को मालदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने भाषण में ये जोरदार दावा किया कि विपक्ष की यूनाइटेड ऑपोजिशन की रैली में ना तो भारत माता की जय और ना ही वंदे मातरम के नारे लगाए गए थे। श्री अमित शाह का ये दावा रैली के इस वीडियो क्लिप में पेश है। समावेशता साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी। लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम बोला क्या? इनको तो मोदी 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 मोदी। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी अमित शाह का दावा ट्वीट किया और अन्य मीडिया सर्विसेज ने भी इनका दावा आगे बढ़ाया। तो सच क्या है? विपक्ष की यूनाइटेड ऑपोजिशन रैली के बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने ऑनलाइन आर्टिकल छापा जिसकी हेडलाइन थी, ममता बैनर्जी की ऑपोजिशन यूनिटी रैली समाप्त हुई वंदे मातरम के नारों के साथ। ऑल्ट न्यूज ने रैली के वीडियो फुटेज की जांच करी और कंफर्म किया कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने वास्तव में वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए थे। इसको जरा देखिए। बदल दो दिल्ली का सरकार, बदल दो, बदल दो, बदल दो दिल्ली का सरकार, बदल दो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसका स्लोगन इनकलाबी है उनको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अब रैली से एक और उदाहरण देखिए हार्दिक पटेल का, जिन्होंने अपना भाषण समाप्त किया जय हिंद और भारत माता की जय के नारे के साथ। जब जब दीदी ने बुलाया है हम आपके प्रदेश में आए हैं और बार बार आएंगे आप सभी के आशीर्वाद लेने के लिए और इस देश की आने वाली बेटी और इस देश को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, अफवाह या फॉरवर्ड आपको जज्बाती लगे कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर कीजिए ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।